मुझे एक बात याद आ रही, ध्यान से सुनना और स्पष्ट बोल रहा हूं। अभी नवरात्र चल रहे, डांडिया खेला जाता है गुजरात में, हमारे गुजराती भाई बहन खूब खेले छे। केम छो, मजामा छो ना? हाँ, खूब खेले छे डांडिया। लेकिन कई जगह पर मैंने देखा है कि हमारे कुछ मुस्लिम भाई लोग डांडिया खेलने जाते हैं। ये स्पेशल मैसेज है, लिसन टू मी एवरी हिंदूज, सनातनी, एवरी सनातनी सुनिए इस बात को, और हो सके तो हमारे मुसलमान भाई भी सुने। मुसलमान भाई कहते हैं कि ये देवकीनंदन थोड़ा कट्टर बोलता है। मैं कट्टर नहीं हूं, कट्टर तो आप हैं। सनातनी कभी कट्टर नहीं हो सकता, लेकिन अपने धर्म की रक्षा करना मेरे आचार्यों ने मुझे सिखाया है। किसी को मारना मेरे आचार्यों ने नहीं सिखाया, मेरे आचार्यों ने किसी को मारना नहीं सिखाया, लेकिन अपने धर्म के लिए अपनी जान देना और दूसरे की भी सिखाया है, याद रखना। तो सुनो, डांडिया होते डांडिया मनाते हैं लोग नवरात्र, वहां मोस्टली मुसलमान भाई या तो किसी हिंदू लड़के से फ्रेंडशिप करके जाते हैं, या बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है तो चले जाते हैं। बहुत से लोग थोड़ा पूछते, भाई क्यों, तुम क्यों जा रहे हो? अरे भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अच्छा इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये हिंदू मुस्लिम सिर्फ भाई, मुस्लिम ही भाई, और डांस करे हिंदू बहन बेटियों के साथ? जब इतना ही भाईचारा है तो एक काम करो मेरे प्यारे, अपनी बहन बेटियों को भी लाया करो और यहां पर भाईचारा ढंग से निभाओ। अपनी बहन जैसे हमारे हिंदू लोग जाते हैं ना, बहन भाई लोग जाते हैं डांडिया खेलते हैं, वैसे आप भी अपने हिंदू भाई बहन, मुस्लिम भाई बहन आओ और डांडिया खेलो, भाईचारा पूरा निभाओ ना, अधूरा क्यों? बहनों को भी बहन का चारा निभाने दो ना, बहन चारा हो जाएगा, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? तुमको लगता है हम समझते नहीं? समझते तो हैं, लेकिन कुछ निकम्मे लोग नहीं समझते, जिनके कारण हमारी ये दुर्दशा है। जिस दिन सब समझ गए ना, डांडिया होगा डांडिया, समझ रहे ना, डांडिया डांडिया होगा। अगर डांडिया खेलना हो तो दोनों आया करो साथ में, भाई बहन, फिर निभाओ भाईचारा। क्या प्रॉब्लम है? है क्या कोई प्रॉब्लम? ये थोड़ा इसको बना के डालो, देख बताओ सबको, डांडिया होने दो, राधे राधे।